नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों रिएक्शन, विद एसिड्स। एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं जी। ये देखें जी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी और ये सिल्वर। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज एसिड। एसिड होता क्या है? एसिड दुनिया की हर वो चीज होती है जिसको पानी में डालने और वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दे, ठीक है जी, उसको हम एसिड कहते हैं। एसिड के लिए वर्ड प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, प्रोटॉन एच पॉजिटिव को कहते हैं, यानी कोई भी चीज जो एच पॉजिटिव या प्रोटॉन दोनों का मीनिंग सेम होता है। कोई भी चीज जो वाटर के अंदर प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर दे उसको हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में एक लाइन बताता होता हूं बच्चों को कि एसिड दुनिया की हर वो चीज है जो अपनी औकात पानी में जाके दिखाती है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके जी, तो इसको याद कर लो जी। ठीक है, एसिड जो है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट नाम से पता चल रहा है क्योंकि एसिड ने अपनी औकात पानी में दिखानी है, तो डाइल्यूट में पानी ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, जबकि कंसंट्रेटेड जो है उसमें क्या होगा, पानी कम होगा और एसिड आपका ज्यादा होगा जी। यू गॉट इट? तो हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो पहली ये जो तीन मेटल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनका रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ करवा दें, ठीक है जी, तो डाइल्यूट एसिड के साथ इनका रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता है जी। वायलेंट का मतलब धमाके का हो जाते हैं जनाब, और धमाके वाला कोई भी रिएक्शन जो है वो हम लोग केमिस्ट्री में नहीं करवाते। सो दैट इज व्हाई डू नॉट अलाउ दीज मेटल्स विद एनी एसिड। यानी डाइल्यूट एसिड के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेटेड में डालेंगे तो फिर आप सोचें फिर क्या हाल होगा। ठीक है, तो धमाके वाला रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री में नहीं करवाया जाता, बंदे की जान को खतरा होता है जी, तो इसीलिए ये डेंजरस है। सो डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम विद एनी एसिड। ठीक है जी, तो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम विद एनी एसिड। यहां पे और नहीं एंड लिख दें, विद एनी एसिड। ठीक है जी, चलिए जी अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज के लिए मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए। जो कुछ जो कोई लिख रहा है वो लिखना छोड़ दे, इसकी स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, सुन ले पहले। अच्छा जी, Mg से लेके हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाली जो मेटल्स हैं, ठीक है, इनका अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे मेरे बच्चों, तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। और इन्हीं मेटल्स का अगर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में तीन चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट बनता है, एक गैस बनती है और साथ वाटर बनता है। इसके रिजल्ट में तीन चीजें बनती हैं जी। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सारे सुनते जाएं। सपोज करें मैं ले रहा हूं इधर मैग्नीशियम और इधर भी ले रहा हूं जी मैग्नीशियम, इधर मैं एसिड ले रहा हूं HNO3 नाइट्रिक एसिड, इधर भी एसिड ले रहा हूं जी HNO3 नाइट्रिक एसिड। सिर्फ फर्क क्या है, ये डाइल्यूट है और इसका ये कंसंट्रेटेड है। ठीक है जी, जब भी कोई रिएक्शन करना हो मेरे बच्चों, तो यू पीपल शुड नो द वैलेंसीज। ये Mg है तो Mg, और इधर ये HNO3 है, Mg की वैलेंसी +2 है। HNO3 में H की हमेशा +1 होती है और NO3 की -1 होती है, -1। ठीक है जी, तो मैंने आपको तरीका बताया, एक चीज के पॉजिटिव को दूसरे चीज के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर देते हैं जी। मेरे बच्चे बोलो क्या फॉर्मूला बन गया, इजी होके बताओ, Mg NO3 और ब्रैकेट डाल के ये 2 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो Mg
NO3, ठीक है, इसका 2 इसके साथ आ गया, तो ये दोनों कैपिटल वर्ड है तो ब्रैकेट डाल के 2 आ गया। इसको कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट बन गया जी। अब इसका पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना है, इसका नेगेटिव है ही कोई नहीं, तो ये H अकेला रह गया, तो ये H2 बन गया। इसको बैलेंस करना है तो इधर बैलेंस कर दो जी, ये बैलेंस हो गई। NO3 2, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, 1। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब दूसरी चीज जरा गौर से देखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन। इसको ध्यान से सुन लो, ये मुश्किल है। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है? पहली चीज तो बनती है सॉल्ट, यानी MgNO3 के साथ मिलके बन जाएगा सॉल्ट, यानी वही वाला सॉल्ट MgNO3 होल ट्वाइस, एक तो यही वाला सॉल्ट बन गया जी। आप उठ के आगे आ जाओ यार। अच्छा जी, MgNO3 होल ट्वाइस आ गया बच्चों। उसके बाद दूसरी चीज बन रही है गैस। ये गैस कहां से बनती है? एसिड के दो पार्ट्स हैं, ये इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट है। तो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है उससे गैस बनती है, तो NO3 से कौन सी गैस बनती है? हमेशा NO2 बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ब्राउन कलर की गैस होती है जी। और दूसरा, एसिड के अंदर H और O दोनों मौजूद हैं, तो वाटर बन जाएगा जी, H2O। इसको बाद में बैलेंस जो है वो आप लोग कर लीजिएगा खुद ही। तो जब भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा, एसिड के नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसकी गैस बनेगी, और अगर H और O बोथ आर प्रेजेंट इन द एसिड तो वाटर बनेगा। एक और देखें जी, आपके पास जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इधर भी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है जी, ठीक है जी। ये डाइल्यूट है एंड दिस वन इज कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का तरीका वही है, इसको बना लेते हैं। जिंक की वैलेंसी होती है +2, H की होती है +1, SO4 की होती है -2। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से ज्वाइन होगा तो +2 -2 से कट गया, तो क्या बन गया? ZnSO4, और साथ क्या बन गया? H2, ठीक है जी। जबकि यहां भी देखें जी क्या बनेगा, पहली चीज तो सॉल्ट बनेगी, ZnSO4 के साथ मिलके ZnSO4 बन गया, और एसिड का ये वाला पॉजिटिव वाला और ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट है, तो SO4 से गैस बनेगी, और SO4 से हमेशा SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और H और O बोथ आर प्रेजेंट, तो यहां पे वाटर साथ बन जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों याद रखो कि डाइल्यूट एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में हमेशा मेटल जो है वो सॉल्ट और वाटर हाइड्रोजन बनाती है, जबकि मेटल जो है वो अगर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट गैस और वाटर बनाती है, और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सिर्फ रिएक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं हो पाता जी। व्हाट डू यू मीन बाय थिंग जी? दैट इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये असल में रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है, मैं उनको स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा, तुमने पढ़ा हुआ है, तो वो HCl जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज हाइड्रोजन से नीचे वाली चीजें, इनका मेरे बच्चों डाइल्यूट एसिड के साथ नो रिएक्शन, ठीक है जी। इनका कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन होता है, और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन जब भी होगा तो यही चीजें बनेंगी, सॉल्ट गैस और वाटर। लेट्स सपोज आपके पास कॉपर है, इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन गया एक तो, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2 है, और NO3 से NO2 गैस बन गई, और साथ आपका वाटर बन गया जी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके रिएक्शन विद एसिड्स हो गए जी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जी, तो मैं रब कर रहा हूँ, फिर जल्दी करें। सर गैस का कैसे पता लगा करेगा मैं? यार बता तो रहा हूँ, इसमें क्या मसला है? ये NO3 है ना, नाइट्रिक एसिड लिया तो NO3 से NO2 गैस बन जाएगी। ये सल्फर, सर
जी बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, हो सकता यूज? नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटे इसमें यूज नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका जो रिएक्शन है वो इसके साथ हो नहीं पाता, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। दैट इज द रीजन। वो मैंने रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने वो चीज बतानी अभी मुनासिब नहीं समझी। वहां पे ये मैं चीज दोबारा से डिस्कस करूंगा रिडॉक्स वाला, तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ लगेगी। ठीक है जी जी? ठीक जी हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए सबने, मिटा दूं? इसको लर्न कर लीजिएगा है। यस अच्छे सर। तरीके से। अच्छा मेरे बच्चों, दुनिया में जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कहां से आप लोगों को मिलती हैं? अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से, जमीन से मिलती हैं। लेकिन ये नहीं है कि जमीन को खोदना शुरू करो तो पता चले जी आपको लोहा मिल गया, लोहा निकाल के यूज करना शुरू कर दो, या जमीन को खोदना शुरू करो तो पता चले जी उसमें से आप लोगों को जो है वो सोडियम मिल गया। कभी भी कोई मेटल जो है वो आपको अकेली नहीं मिलती, बल्कि उसने दूसरे कंपाउंड्स के साथ, सॉरी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड बनाए होते हैं जी। तो उसके जो पेट्रोल की कंपाउंड तरह, होते हैं, सॉरी पेट्रोल पेट्रोल की तरह। की तरह मिक्सचर, पेट्रोल तो मिक्सचर है ना, पेट्रोलियम वगैरह, ये मैं कंपाउंड कह रहा हूं, यानी आपको अकेली नहीं मिलेंगी। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो आपको ओर्स की फॉर्म में मिलेंगी, ओर्स का मतलब कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, और इसके ओर्स कौन कौन से होते हैं? या तो मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं जी, या फिर हाइड्रो ऑक्साइड यानी ओएच के साथ जुड़ी होती हैं जी, यानी ओएच। और तीसरी चीज, या फिर मेटल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती हैं। कार्बोनेट्स होता है CO3, इसकी वैलेंसी -2, इसकी -1, इसकी -2। और आखिरी चीज होती है नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, NO3- की फॉर्म में भी जो है वो आपकी मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी मेटल आपको अकेली नहीं मिलेंगी, बल्कि उन्होंने इन एलिमेंट्स के साथ मिलके जो है वो कोई कंपाउंड बनाया होगा, और उस कंपाउंड को हम ओर कहते हैं, और उस ओर में से मेटल को हम लोग निकालते हैं, सेपरेट करते हैं जी। तो वो इंशाल्लाह ताला ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, इनसे कैसे कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट करती हैं, इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस इट टुमारो।